2022 बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा। कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़ दे तो बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस साल न तो अक्षय कुमार चले और न ही आमिर खान, और न ही रणवीर सिंह और शाहिद कपूर का चलवा चला। इतना ही नहीं, इस साल अभी तक सलमान खान और शाहरुख खान की तो कोई फिल्म ही रिलीज नहीं। वही दूसरी ओर साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया। इन फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में ऐसे धमाल मचाया कि इनके आगे बॉलीवुड की फिल्में और स्टार्स बौने साबित हुए। इन फिल्मों ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जमकर धमाल मचाया। आज आपको इस साल की उन टॉप 5 फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। बता दें कि टॉप 5 में बॉलीवुड की सिर्फ एक ही फिल्म है और लिस्ट से तीनों खानों का नाम भी गायब है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस साल 5 फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की। इन 5 फिल्मों ने मिलकर करीब 3649 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। हालांकि इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन वर्ल्ड वाइड शानदार कमाई की। इस साल वर्ल्ड वाइड पर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साउथ स्टार यश की KGF चैप्टर 2 है। इस फिल्म ने 1230 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म ने अन्य भाषाओं के साथ ही हिंदी बेल्ट में भी जमकर कमाई की। एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने भी जमकर धमाल मचाया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1144 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड कमाई करने के मामले में RRR टॉप 5 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही कमल हासन की फिल्म विक्रम। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 426 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म ने तमिलनाडु में भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया। लिस्ट में अयान मुखर्जी निर्देशित फिल्म ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 423.16 करोड़ की कमाई की और फिल्म अभी भी देखी जा रही है। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन 1 को चाहे हिंदी बेल्ट में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड और अदर लैंग्वेज में फिल्म ने शानदार परफॉर्म दी। फिल्म ने अपनी रिलीज के 12 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 416 करोड़ रुपए कमाए। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन में से किसी की भी फिल्म लिस्ट में शामिल नहीं है। इस साल रिलीज हुई इन स्टार्स की फिल्मों में से एक ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं देखा।